यूक्रेनी अटैक हेलीकॉप्टर के एक्शन का वीडियो आया है, अब वो देखिए। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की बड़ी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। यूक्रेनी MI-8 हेलीकॉप्टर से हमला किया है यहां पर यूक्रेन ने। रूसी ठिकानों पर दागी अनगाइडेड मिसाइलें। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। ये देखिए, एक के बाद एक मिसाइलें आप गिन नहीं पाएंगे, जितनी तेजी से ये मिसाइलें निकल रही हैं। ये यूक्रेनी हेलीकॉप्टर MI-6 ने रूस के ठिकानों पर दागी हैं। MI-8 हेलीकॉप्टर है जिसने ये हमला किया है। रूसी ठिकानों पर अनगाइडेड मिसाइलें, एक के बाद एक आग बरसाती मिसाइलों को आप देख सकते हैं। ये यूक्रेन का हेलीकॉप्टर है। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने लेकर आता हूं। क्रेमेनिया के जंगल में रूस यूक्रेन के सैनिक आमने सामने, जंगल में जबरदस्त गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। क्रेमेनिया के जंगलों में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के आमने सामने जंग का एक वीडियो सामने आया है। जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। रूसी जवानों ने यूक्रेनी पोस्ट पर मौजूद सैनिकों को घेर लिया। रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच जबरदस्त गोलाबारी जारी। ये तस्वीरें देखिए, ये क्रेमेनिया का इलाका है। रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच गन फाइट के वीडियो है ये। और ब्रेकिंग, आप उस जगह से जहां पर रूस और यूक्रेन की वॉर सबसे ज्यादा इंटेंस है इस वक्त, बाखमुत। बड़ी खबर, बाखमुत में भी रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। बाखमुत में तो लगातार रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर गोले बरसा रहे हैं, बारूद बरसा रहे हैं और एकदम एक दूसरे को वहां से धकेलने में, पीछे हटाने में बिल्कुल जुटे हुए हैं। बाखमुत के बॉर्डर इलाके में भिड़ गए रूस और यूक्रेन के जवान। रूस यूक्रेन के सैनिकों की एक दूसरे पर जबरदस्त फायरिंग। बाखमुत पर जल्द कब्जा करना चाहता है रूस। बगल में 12 किलोमीटर रूस सोलेडार है जहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है। पहली बार जेलेंस्की ने कैमरे पर आके माना था कि कोई अगर उनका इलाका उनसे छीना है तो वो सोलेडार था। अब बाखमुत पर भी ठीक उसी तरह कब्जा करना चाहता है रूस। फिर से तीन तस्वीरें, तीन ब्रेकिंग न्यूज के साथ, 1 2 3। देखिए आपके सामने तीन तस्वीरें। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर। आग बरसाते रॉकेट दिखे हैं जो यूक्रेनी हेलीकॉप्टर MI-8 ने दागे हैं। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के सैनिक क्रेमेनिया में कैसे आमने सामने गन फाइट करते दिखे हैं वो देख सकते हैं आप। और तीसरी तरफ बाखमुत का वो इलाका जहां रूस हर हाल में कब्जा करना चाहता है। रूस चाहता है कि हर हाल में यहां कब्जा किया जाए बाखमुत में, और इसीलिए लड़ाई बहुत इंटेंस है इस वक्त यहां पर।